मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। समोसे बनाते हैं तो आलू को बस ऐसे ही फ्राई कर लिया, इस तरह से नहीं, आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल ही टेस्टी बनेंगे समोसे। और ये देखिए आलू उबले हुए हैं, इसमें सारे में आलू डाल देते हैं और इसको सारा मिक्स करना है, चलाना है। ठीक, जब मैंने आलू डाले तो मैंने हल्की आंच कर ली थी, देखिए मेरे आलू भून चुके हैं। अब मैं समोसे का आटे का तैयार करती हूँ, बंद करती हूँ इसको गैस को, तब तक ये ठंडा होगा। तो ये देखिए हमने आटा लिया है, ये 2 कप नाप के हमने लिया है, 10 लोगों के लिए आराम से समोसे बन जाएंगे। और एक्चुअली 10 आटा हमने इसलिए लिया है कि आटा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये देखिए और टेस्टी भी बनेगा। यूँ क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन, इस तरह से ये मैंने अजवाइन लिए, इसको यूँ ऐसे करके, और बहुत अच्छी खुशबू आती है, अजवाइन ज़रूर डालिए थोड़ी सी। मैं तो देसी घी का ही मोइन डाल रही हूँ, मैं देसी घी में ही सेकूँगी समोसे और देसी घी के समोसे बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, क्योंकि आलू में भी पड़ा है तो मैं नमक सही से डालना है इसमें। वैसे आपको पसंद है जो भी, आपको हल्का तेज़ खाते हैं। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ पूरा। देसी घी के समोसे बहुत टेस्टी लगते हैं, वैसे तो अपना स्वाद है आप जिसमें बनाएं, मगर मैं तो देसी घी में ही बना रही हूँ। जहाँ तक हो तो आप भी देसी घी में ही बनाइए, एक बार बना के देखिए बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए आटा जब ऐसा हो जाए तब देखिए आपका मोइन बिल्कुल फिट है। ये देखिए बस इतना ही चाहिए मोइन। अब मैं इसको मारती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसका आटा बहुत गीला भी नहीं मरेगा और बहुत टाइट भी नहीं। ये देखिए हमारा आटा कितना आराम से मर गया है, मैं आटे के ही बनाए हैं, आप भी आटे के ही बनाइए, मैदे का कम यूज करिए। शुरू करते हैं समोसे। अब हमारे आटे मड़े को 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं, आलू ठंडे हो गए। अब ये देखिए हम लोई बना रहे हैं, ये देखिए हम लोई बना के रखते जा रहे हैं अपनी, इसी तरह से सब लोई बना। अभी करीब हमारी सब लोई बन गई है, अब हम समोसे बनाते हैं। अब इसको इस तरह से बेलना है, लंबाई में थोड़ा बेलना है, बहुत आराम से आटा मड़ा है, कितना अच्छा, और आराम से बना लेंगे आप, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये हम इसको काट रहे हैं इसके इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने काटा है इसको। और ये हमने एक कटोरी पानी रख लिया है इसमें और हम इसको इस तरह से पानी लगाएंगे, देखिए इस तरह से, इसको हम फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करिए आप इसी तरह से, देखिए इतना भी आप आलू भर सकते हैं इसमें बैटर आराम से। ये देखिए आलू हमारे ठंडे हो गए हैं पूरे, मैं इसमें आपको आलू भर के दिखाती हूँ। इतना ही आलू भरना है, इतना हमको ऊपर से दबाना है, इतना छोड़ना है, इतना ही हमको छोड़ना है, इतना भरना है आलू, बहुत फुल नहीं करना है
और ये हमने जो पानी रखा था इसको हम गोलाई से लगाएंगे पानी। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारे हमको बना बना के रखना है मुझे। ये देखिए आराम से इतना गैप रखना है ताकि हमारा आराम से आलू बन जाए। ये देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देना है। ये देखिए हमारा समोसा पूरा तैयार हो गया है। इसी तरह से मुझे दूसरा लेना है, इसी में भी ऐसे पानी लगाना है। ये देखिए ऐसे लगाना है और इसको भी उसको ऐसे करना है, मोड़ना है। ये देखिए इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको यूं करके दबा देना है। ये देखिए बस इतना ही भरना है, ज़्यादा नहीं भर देंगे तो फिर बंद नहीं होगा। ये देखिए हमारा आलू सब आ गया है मिक्स इसमें, और मैं ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी इस तरह से, बस लगा दिया। इसी तरह से हमको सारे समोसे भर भर के रखना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको ढील दे दीजिए। ये देखिए समोसा तैयार हो गया है। हमने इसी तरह से सारे बना लिए हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसको सेक के बताते हैं आपको। हमारा घी देखिए गर्म हो गया है, इसमें हल्की आंच में देखिए करके डालूंगी मैं। देखिए और हल्की ही आंच रखी है मैंने, इसी तरह से सेकना है। आटे के समोसे हैं तो कलर में तो थोड़ा सा वैसा आता ही, मैदे के थोड़े समोसे वैसे होते हैं, मगर आटे का भी बहुत देखिए गोल्डन कितना प्यारा कलर आया है। इसको हल्की आंच में ही सेकिएगा। देसी घी का समोसा तो कुछ अलग ही कलर भी फ्लेवर भी अलग ही देता है, इसका कलर इतना सुंदर आया है। देखिए समोसे प्यारे बने हैं, देखिए कितना कलर प्यारा आया है। आटे के समोसे, देसी घी के आटे के समोसे, करी करी हमारे समोसे सीख गए हैं। मैं 2 मिनट और टाइम दूंगी, करी हमारे समोसे सीखने में 8 मिनट लग गए हैं। बस देखिए अब मैं निकालती हूँ, समोसे कितने अच्छे आए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ आवाज़, देखिए समोसे देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको समोसा। देखिए देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। और इस बार इसको ज़रूर बनाइएगा, आटे के देसी घी के समोसे। और अगर ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।